विकास के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है, नरवाने से ठेकेदार बुलाए जाते हैं जिनको आज वोटों के लिए हर एक गांव में, आप साथियों ने भी देखा होगा कि ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें चार पांच उनके ठेकेदार जिनको यहां पैसे लूटने के लिए रखा जाता है, ठेका दिया जाता है, जिनको टेंडर दिए जाते हैं, काम नौकरियाँ सब उनको दी गई है। आपने भी देखा पिछले 10 साल में यहाँ कितना विकास हुआ। अभी हमारे विधायक लीला राम जी जिनको प्रशासन में डीएसपी एसपी डीसी कहते थे कि मेरी तो चलते ही नहीं, कोई पर्ची लेके जाता था, कोई कहता था मेरा फोन कर दो, कहते भाई मेरा तो फोन ही नहीं उठाता प्रशासन। हर एक गांव में ई लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे, हर एक गांव में टॉप देंगे ई लाइब्रेरी में, किसी युवाओं को बाहर ना जाने पड़े, स्पेशल हमारी गाँव की जो बेटियाँ हैं उनको शहर की तरफ या दूसरे गाँव में ऐसे नहीं जाना पड़े कि उनको पढ़ने के लिए व्यवस्था उनके गाँव में। और हर एक गांव में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाएगा, छोटा गांव होगा तो छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा, ग्राउंड बनाने का कि नशे से मुक्त हो हमारा हल्का हो। तो हमारे कुछ मुद्दे हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल है जैसे बाबा अल्दाना में हमारा बाबा राजपुरी की मान्यता है कि वहां पशुओं को लेके जाते हैं, तो जैसे हमारा कटड़ा रूस जाए माता है तो उसने भी मनाने का काम करा, तो वहाँ एक पशु चिकित्सक जैसे हिसार यूनिवर्सिटी से उसकी मान्यता हो, तो ऐसे कोई कार्य हम करना चाहते हैं जो हमारे हल्के में विकास का कार्य। जैसे हमारे पार्टी के आदेश आए हैं कि 11 तारीख को नॉमिनेशन करें, अजय जी के आशीर्वाद से हम 11 तारीख को नॉमिनेशन जी। आपको भी, सभी साथियों को और सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। युवा चेहरे के रूप में संदीप गढ़ी को टिकट दिया है, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है युवाओं के लिए, क्या कुछ योजना रहेगी? मैं तो सभी युवा साथियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपने युवा भाई का समर्थन करें और सब युवा भाई मिलकर एक नया हलका बनाने का, विकास करने का काम करेंगे। सभी युवा साथियों की सोच के साथ जैसा हम स्पोर्ट्स ग्राउंड पढ़ने का, खेलने का, कूदने का, नशे से मुक्त ऐसा हलका बनाना चाहते हैं कि जिसमें हमारे हलके में देश का भी नाम रोशन कर सकें हम स्पोर्ट्स में और खिलाड़ियों में और पढ़ने में। संदीप जी, इससे पहले बता दें कहीं नेता जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, लीला राम की बात की जाए, उनका कार्यकाल रहा है, किस तरह से देखते हैं कैथल के विकास को और क्या कुछ आप सौगाते पाए? मैं तो आपके थ्रू, आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, पहले भी रणदीप सुरजेवाला जी ने 15 साल राज किया है यहाँ पे, 5 साल उसके फादर साहब ने किया है, 15-10 साल रणदीप सुरजेवाला ने किया, तो वो यहाँ पे नारा लगाते हैं कि विकास किया है हमने। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ 4-5 सड़कें बना के कहते हैं कि हमने विकास किया है। विकास के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है, नरवाने से ठेकेदार बुलाए जाते हैं जिनको आज वोटों के लिए हर एक गाँव में, आप साथियों ने भी देखा होगा कि ऐसा कोई गाँव नहीं है जिसमें 4-5 उनके ठेकेदार जिनको यहाँ पैसे लूटने के लिए रखा जाता है, ठेका दिया जाता है, जिनको टेंडर दिए जाते हैं, काम नौकरियाँ सब उनको दी गई है। आपने भी देखा पिछले 10 साल में यहाँ कितना विकास हुआ है। तो उन्होंने ऐसा युवाओं के लिए क्या किया, कोई उद्योग लेके आए हो, कोई किसी के लिए कोई कंपनी लेके आए हो, कोई साथियों के लिए बाहर जाने से रोकने के लिए कोई काम किया हो? कोई काम नहीं किया, सिर्फ बरगलाने का काम किया है हमारे हलके को। और अभी हमारे विधायक लीला राम जी जिनको प्रशासन में डीएसपी एसपी डीसी कहते थे कि मेरी तो चलते ही नहीं, कोई पर्ची लेके जाता था, कोई कहता था मेरा फ़ोन कर दो, कहते भाई मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठाता प्रशासन, तो ऐसे विधायक को हलका मेरे हिसाब से तो मैं तो कहता हूँ कि नहीं स्वीकार करेगा। और एक युवा साथी को इसलिए स्वीकार करेगा कि हम यहाँ दिन दुगनी और रात चौगनी मेहनत करके सभी भाइयों के साथ खड़े हैं और 24 घंटे तत्पर तैयार हैं भाइयों की सेवा में। जब भी भाई आवाज़ मारेंगे दिन रात यहीं हैं, कहीं बाहर ना कर्नाटक जाते, ना दिल्ली रहते, ना ऊपर की राजनीति करते, भाइयों के विकास के लिए 24 घंटे यहीं खड़े हैं, कभी आवाज़ मारे। गठबंधन में आपने सरकार चलाई, क्या कुछ उपलब्धियाँ रही? दुष्यंत चौटाला की बात की जाए, क्या कुछ सौगातें दी? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी ने जो वादे किए थे, मैनिफेस्टो तैयार किया था, उसमें 75% ऐसा मैनिफेस्टो में काम किया है। 100% तो ये नहीं कहते कि हम कर पाए क्योंकि हमारी सरकार ही 9% बहुमत के साथ थी, 9% की हिस्सेदारी में कितना काम होता है, फिर भी उसमें से 75% वादे पूरे करें, जैसे 75% वाला किया, महिलाओं को आरक्षित सीटों का वाला किया पंचायत में 50%, 8% BC कोटे में दिलवाने का काम किया, 14 फसलों को MSP देने का काम किया। तो दुष्यंत जी सरकार में ना होते तो क्या होता है राज्य का? तो बोलिए संदीप जी, समय कम है, किस प्रकार का रोड मैप बनाया है, किस तरह गांव-गांव घर-घर पहुंचेगा? हम हर एक घर तक पहुंचेंगे, हमारे पास युवा साथियों की टीम है और हम अपनी अलग अलग टीमें बनाएंगे, तो हर एक गांव तक, हर एक घर तक, हर एक साथी तक, हर एक बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, हर एक माता का आशीर्वाद लेके हम युवा के साथ जोश के साथ लड़ेंगे भी और जीतेंगे। किसान आंदोलन के चक्कर में जेजेपी को लोकसभा में काफी विरोध का सामना करना पड़ा,
क्योंकि लगातार जहाँ भी गांव में जा रहे थे प्रत्याशी वहाँ विरोध हो रहा था। आपकी बार विधानसभा चुनाव क्या लगता है, आपकी बार वो जो लोगों से आप वो तालमेल बिठा पाएंगे? देखिए, किसान आंदोलन था, हमारे किसान भाई हमारा घर है, हमारा परिवार है। मानते हैं कुछ लोग नाराज हुए हैं, लेकिन अपनों से ही नाराज होते हैं, उनको भी मनाने का काम करेंगे और हमें विश्वास है कि उनको मना लेंगे हम अपनों। कैशल से भी बहुत रूठ चुके हैं, जेजेपी से काफी लोग जा चुके हैं, तो हम उनको मनाने का काम करेंगे और हमें नहीं लगता कि हमसे रूठ पाएंगे। हम इस रात ही रूठ के भगाए। देखिए, वो चलो एक राजनीतिक हो सकती है किसी भी मुद्दे पे, तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। रीजन तो वो खुद बताएंगे। क्या जी विजन आपका लक्ष्य? मुद्दा अपना ये है कि हर एक गांव में ई लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे, हर एक गांव में टॉप देंगे ई लाइब्रेरी में, किसी युवाओं को बाहर ना जाने पड़े। स्पेशल हमारी गांव की जो बेटियां हैं उनको शहर की तरफ या दूसरे गांव में ऐसे नहीं जाना पड़े कि उनको पढ़ने के लिए व्यवस्था उनके गाँव में। और हर एक गाँव में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाएगा, छोटा गाँव होगा तो छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा, ग्राउंड बनाने का कि नशे से मुक्त हो हमारा हल्का हो। तो हमारे कुछ मुद्दे हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल है, जैसे बाबा अल्दाना में हमारा बाबा राजपुरी की मान्यता है कि वहाँ पशुओं को लेके जाते हैं, तो जैसे हमारा कटड़ा रूस जाए माता है तो उसने भी मनाने का काम करा है, तो वहाँ एक पशु चिकित्सक जैसे हिसार यूनिवर्सिटी से उसकी मान्यता हो, तो ऐसे कोई कार्य हम करना चाहते हैं जो हमारे हल्के में विकास का कार्य हो। और कुछ कंपनियाँ भी सोच रहे हैं कि कोई आईटी कंपनी जैसे कुछ हमारे युवाओं को रोजगार के लिए हो। शहर के लिए कोई बड़ा विजन सोच रहे हैं? शहर में मंडी में दुकान है, हम आढ़ती हैं, किसान भी हैं, तो मंडी में जैसे हमारे व्यापारी भाइयों की कोई भी आवाज़ होगी हम उसको उठाने का काम करेंगे। कोई भी ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिससे हमारे व्यापारी भाइयों को नॉमिनेशन, जैसे हमारे पार्टी के आदेश आए कि 11 तारीख को नॉमिनेशन करें अजय जी के आशीर्वाद से, हम 11 तारीख को नॉमिनेशन अजय चौटाला जी आएंगे, हमारे डॉक्टर अजय चौटाला जी, उनके आशीर्वाद से हम नॉमिनेशन करें।